ये क्या लिखा है इसमें? काले वस्त्र पहने। माँ बहुत अलग लग रही थी, सिर्फ आज नहीं पिछले कुछ दिनों से बहुत अलग लग रही है। जब से वो काले कपड़े पहनने लगी है तब से सब कुछ बदल सा गया है। कैसा रहा इंटरव्यू? क्या नहीं हुआ? कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। वक्त लगेगा पर हो जाएगा। कितना वक्त पापा? वैसे ही मैं सबसे पीछे है, सबसे और अपने आप से। एक दिन भी मैं बैठता हूँ घर पे तो ऐसा लगता है क्यों बैठा हूँ, लूजर जैसा फील होता है मुझे। सीरियस बात कर रहा हूँ मैं और आप हंस रहे। हाँ मैं हंस रहा हूँ, पता है क्यों? भाई तू तो मेरा आलसी बेटा था, देर देर तक सोता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि तेरा होगा क्या, पर अब देखो तेरा ये जो जोश है, ये जोश को इंग्लिश में क्या बोलते? पैशन। हाँ आज तेरे पैशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उस पर बहुत गर्व है मुझे बेबा। क्या फायदा, हूँ तो अब भी बेकार, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। और दा सबसे खराब मुझे क्या लगता है कि श्रेया काम कर रही है और मैं नहीं, और उसे ना ये बात चुभती होगी पर वो कुछ बोलती नहीं, बस सोचती होगी कि कैसा पति है मेरा। पर तू इतना मत सोच, देख सब ठीक हो जाएगा, तू इतना टेंशन मत ले। कब ठीक होगा पापा, शादी हो गई है मेरी, अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ हूं मैं। समझ में नहीं आता कि मेरा सही वक्त आएगा अभी कि नहीं। नमस्ते जी। जी जी सब ठीक है। दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था। अचानक से मौसम इतना अजीब सा कैसा हो गया? लगता है कोई तूफान आने वाला है। ये बिन मौसम तूफान कैसा? हवन वाले दिन भी ऐसा हुआ था। मम्मी मम्मी याद है आपने एक बार अलक्ष्मी का जिक्र किया था, कौन है ये अलक्ष्मी? अलक्ष्मी के बारे में क्यों पूछ रही है? वो पुराण है ना, उसमें कुछ लिखा है अलक्ष्मी काले कपड़े, ऐसा कुछ लिखा है। क्या हुआ? यहाँ नहीं, मेरे साथ चल। इनको क्या हुआ अचानक से? कौन सी सीक्रेट बात करने गई है अंदर? अब बता। ये देखिए क्या बोल रही थी। अलक्ष्मीम कृष्ण वर्णम च क्रोदनम कलाह प्रेम कृष्ण वस्त्रम परिधानम लोह वर्ण भूषितम। अलक्ष्मी क्रोधी होती है, उसे कला पसंद है, काले रंग के वस्त्र पहनती है और लोहे के गहने पहनती है। लक्ष्मी लाल रंग के वस्त्र पहनती है और अलक्ष्मी काले रंग के। आश्चर्य में पड़ के मुझे इस वेशभूषा में देख के मैं वैकुंठ गई थी, विष्णु जी के पास, उनसे एक अलग रूप में मिलना चाहती थी। मम्मी अलक्ष्मी की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो अपनी बहन लक्ष्मी से संबंधित हर वस्तु से ग्रहण करने लगी। यदि तुम्हें अपनी समस्या का निवारण चाहिए तो तुम्हें इस तुलसी को अभी की अभी
जड़ से उखाड़ना होगा। यदि उसके समक्ष लक्ष्मी की प्रशंसा भी कर दे तो अलक्ष्मी क्रोध से तमतमा जाती है और वो उस प्राणी को शत्रु मान लेती है। क्या इसके लिए तुमने इतने साल माथे रगड़े थे उसके सामने अपनी लक्ष्मी माँ की भक्ति का? ये फल मिला तुम्हें? हर यदि उद्धार ही नहीं कर सकती है तो किस बात की लक्ष्मी माँ? मम्मी, मम्मी, अलक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी की ही छाया है। कुछ समझ आया आपको? तो इसका मतलब जो इतने दिनों से मेरे सामने काले वस्त्रों में आ रही थी वो मेरी लक्ष्मी माँ नहीं, अलक्ष्मी है। मतलब इतने दिन से अलक्ष्मी मेरे घर में। चलो सविता, अंत में तुम्हें ज्ञात होगी क्या, समझ ही गई तुम अपनी लक्ष्मी माँ और अलक्ष्मी के बीच का भेद। क्या हुआ भाई साहब, परेशान लग रहे हैं आप? संजीव जी, आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ दिन हमारे परिवार के लिए बड़े बुरे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पता चला, खराब भी लगा, बहुत खराब लगा। वो ज्यादा खराब इस बात का लगा कि मैं यहाँ पे था नहीं, मैं होता तो मतलब थोड़ी देर मदद तो कर ही सकता था। कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, अगर आप चाहें तो अब भी थोड़ी मदद जरूर कर सकते हैं। अरे भाई साहब, आदेश दें, बताइए बताइए क्या करता। सुना है कि आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए? हाँ जी, वो तो अभी शुरू हो जाएगा बस। तो उसमें तो आपको भरोसेमंद लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना? जी बिल्कुल, काम बढ़ेगा तो लोग तो लगेंगे। अब बताइए ना, बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब अगर वहाँ वैभव को कुछ काम मिल जाता तो MBA है और आप जो भी काम देंगे ना जिम्मेदारी से करेगा वो। जब तक उसे शेफ की नौकरी ना मिल जाए, अगर वो आपके यहाँ काम कर ले तो उसका मन लगा रहेगा, चार पैसे कमा लेगा, नहीं तो ऐसे काम के लिए भटकता रहेगा, खाली बैठा रहेगा। संजीव जी, वैभव को इतना हारा हुआ और निराश मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है। अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप हाथ क्या, आप तो बस बच्चे के सर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए उसे। वैभव मेरा भी बेटा है, आप चिंता ही मत करिए, मैं बात करूंगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। चाय हो जाए, चाय थोड़ा बूट ठीक हो जाएगा। चाय बढ़िया चाय तो। मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मी बताइए। श्रेया, श्रेया वो मेरी माँ नहीं है। मैं जिनकी पूजा कर रही थी, जिन्हें अपनी माँ समझ के अपने दिल की बात कह रही थी, वो मेरी लक्ष्मी माँ नहीं है। कहाँ है मेरी माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही है? मैंने उन्हें इतना बुलाया, इतना पुकारा, पर और लक्ष्मी मैं कैसे नहीं जान पाई। मम्मी, मम्मी काम डाउन, आप
आराम से बैठ नहीं है। रुके रुके, मेरी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? ये लीजिए पानी पीजिए। मम्मी डुबकी लगा दो अपनी परेशानी में, उसके बाद जो सविता उभर कर आएगी उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, धन धान्य से सबको परिपूर्ण करने वाली, सुख एवं वैभव देने वाली, सौभाग्य एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी सविता, परंतु केवल तब जब तुम अपने अधूरे परिवार को पूरा कर लोगी। माँ आप कहाँ हो? माँ इतने दिनों से आप कहाँ हो? मेरे एक बार पुकारने पे आप हमेशा आती थी, फिर क्या हुआ माँ? आप क्यों नहीं आई? आप अपनी बेटी से इतने दिनों तक दूर कैसे रह सकती है मां? तुम अब सविता के सामने नहीं आओगी, किसी भी स्थिति में तुम उसकी सहायता नहीं करोगी। मां मां आप कहा? मां माँ दर्शन दो, माँ अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया, माँ ऐसा क्या हो गया? मेरी क्या भूल हो गई? मुझसे क्या गलती हो गई? बताओ माँ, दर्शन दो माँ, कहाँ हो माँ, कहाँ हो? क्यों मुझसे दूर हो गए माँ, क्यों? तुम्हें गले लगाकर आशीर्वाद देने का बहुत मन है सविता, किंतु विवश हूं। अलक्ष्मी को दिए अपने वचन के कारण, किंतु ध्यान रखो, शीघ्र ही वो समय आएगा जब अपने सबसे प्रिय भक्त को दर्शन दूंगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। एक कुमकुम लक्ष्मी माँ के एक प्रसिद्ध मंदिर से आया है, ले जाओ इसे घर, आयुष्मान। मम्मी आप ऐसे नहीं टूट सकती, लक्ष्मी माँ हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके पास रहेगी। मैं आप प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारिए, चलिए उठिए। हाँ शुभ्या, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, लक्ष्मी माँ की बेटी हूं। भले ही माँ मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो हमेशा रहेगी। इतने दिनों से अलक्ष्मी मेरे घर में वास कर रही है, अलक्ष्मी को मैं घर से बाहर निकाल के रहूंगी। लक्ष्मी को घर से जाना होगा और लक्ष्मी माँ का फिर से मेरे घर में आगमन होगा। मैं अपनी लक्ष्मी माँ को वापस ला के रहूंगी। पंडित जी, मुझे भी एक सिंदूर चाहिए।
लो। आयुष्मान बेटा खुश रहो। अरे ये क्या कह रहे हैं पापा, आपको नहीं करना था ऐसा। अरे बेटा संजीव जी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने उनसे कहा कि जब तक तुझे अपने मन की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तू वहां काम करे। क्या सोच रहे होंगे वो, उनसे हेल्प लेने की जरूरत नहीं थी हमें। सुना तुमने रोहित, डैडी जी वैभव को श्रेया के पापा के साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना। पिछले साल जब मैंने तुम्हें बोला था मेरे पापा के साथ बिजनेस कर लो, उसके लिए हमें साफ मना कर दिया गया था। बोले कि रोहित अपने ससुर से ऐसे पैसे कैसे ले सकता है। हाँ पर माया वो तुम ना बस साइड में खड़ोगे ऐसे देखते रहना, पर मैं नहीं चुप बैठूंगी। तेरे भविष्य के बारे में सोचा इसलिए मैंने ये सब किया। वाह डैडी जी वाह, कितनी फिक्र है ना आपको वैभव की। पहले तो सिर्फ मुझे लगता था, लेकिन आज आपने कंफर्म ही कर दिया कि आपके फेवरेट बेटा बहू श्रेया और वैभव ही है। ये क्या कह रही हो तुम, कभी आपने रोहित के बारे में इतना सोचा है? पहले आप इसके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए कि मेरे पापा तो रेडी थे ना इसके बिजनेस में पैसे देने के लिए। आपने उसके लिए साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे पापा से पैसे ले ही नहीं सकते, लेकिन आज श्रेया के पापा से मदद मांगते हुए आपको शर्म नहीं आई? भाभी आप ये कैसे बात कर रही हैं पापा से? अरे वैभव तू बीच में मत बोल। और पापा माया क्या गलत बोल रही है? आपने हमेशा मुझ में और वैभव में फर्क किया है। आपको सारी फिक्र वैभव के फ्यूचर की है, मेरा कुछ भी नहीं। और पापा आपके सारे नियम कानून सब कुछ मेरे लिए, वैभव के लिए आपका कोई रूल नहीं। मतलब मेरे ससुर जब मुझे पैसे दे रहे थे बिजनेस के लिए, तब तो आपके सारे नियम कानून आ गए कि नहीं हम किसी के पैसे नहीं लेंगे, और आज वैभव के लिए मदद मांगने उसके ससुर के पास चले गए। वैभव जो है आपके ससुर के नौकरी कर रहा है दूसरों की तरह, जिसकी उसे तनख्वाह मिलेगी। और तू क्या कर रहा था? तू अपने ससुर से पैसे मांग रहा था बिजनेस करने के लिए। अगर मुझे पता था तो कौन सा बिजनेस करता, करता कोई अपना झोल झपाटा। झोल झपाटा स्कीम, लोगों को उल्लू बनाना, और वो क्या कहते हैं आप मुझे, गधा। गधा भी हूं ना मैं, और ये तो आसमान से टपका आपके लिए। क्या आप बात बढ़ा रहे हो, और पता है ना पापा की तबीयत कैसी रहती है। छोड़ो इन बातों को, रहने दो। ओ श्रवण कुमार आप बीच में मत बोलिए, मेरे भी पापा है वो। तो बदतमीजी से बात करेंगे आप? सारी तमीज तो तुम्हें भरी पड़ी है ना, मैं तो बदतमीजी हूँ। हाँ इसीलिए घर में सब तुझे ही प्यार करते हैं, तू ही घर का लाडला है, सबको तो तेरी ही फिक्र है, हमारा तो कुछ नहीं। तो आप कब किसी और के बारे में सोचते हैं भैया? आपने कभी अपनी कमाई से इस घर की हेल्प की है? बस माया भाभी के डिजाइनर बैग, उनके होटल्स के डिनर, ये सब बेफालतू के खर्चों के अलावा आपको कुछ और सोचता है? आपको सच में परवाह होती ना भैया, तो वैभव के जाने की खबर के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसों पे आप दोनों की नजर नहीं होती। जरूरत थी उन पैसों की हमें, इसीलिए किया। और तुम कब से तुम और जीजा जी आईएएस की तैयारी के नाम पर यहाँ पे जो परमानेंट हॉलिडे मना रहे हो उसका क्या? बस कान खोल के मेरी बात सुन लो, ये घर जितना तुम दोनों का है ना उतना आदिति का भी है। अरे आप हमेशा हम पे ही क्यों चिल्लाते हो दोनों पर? चिल्ला कौन रहा है यहाँ पे रोहित, तू चिल्ला रहा है। पापा ना। अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, हम दोनों ही दिखते हैं आपको। चिल्ला क्यों रहे हैं पापा, इधर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तू वैभव चुप रहे एकदम बीच में, हमेशा तेरी वजह से होता है ये सब कुछ। तो आप पापा के बारे में क्यों बोल रहे हो? चुप रहे अभी, तू बीच में मत बोल, जब देखता हूं तू बीच में बोलती है। अरे चुप रहे, बात ही तो हो रही है, इसको बोल कट करने को। मम्मी अलक्ष्मी को कलप्रिया भी बोलते हैं ना, जहां जाती है वहां क्लेश होता है, शायद इसीलिए हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से झगड़े हो रहे हैं। हां श्रेया, लेकिन मैं अपने परिवार को इस तरह लड़ते झगड़ते टूटते हुए नहीं देख सकती। और लक्ष्मी को इस घर से जाना होगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी। पर कैसे मम्मी? अक्सर बुरी शक्तियों को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कोई कितना भी शक्तिशाली हो उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। श्रेया तुझे वो पुराण दोबारा पढ़ना होगा, मुझे यकीन है।
उसमें हमें लक्ष्मी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर मिलेगी। तो मेरे साथ है ना? डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाल के रहेंगे। शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे, हर पल में हो शुभ लाभ, शुभ लाभ।